नमस्कार एवरीवन, दिस इज अश्वनी कुमार फ्रॉम कैम्ब्रिज कम्युनिकेशन सेंटर। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने आया हूँ एक इम्पोर्टेंट सेंटेंस का फॉर्मेट। आप अक्सर ऐसा बोलते होगे, ने दो ने दो ने दो, ऐसा सेंटेंस जैसे मुझे खेलने दो, मुझे जाने दो, मुझे हंसने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे गाना गाने दो, इस तरीके का सेंटेंस आप बोलते हो। आप ये सारे सेंटेंस को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक कॉमन इसमें वर्ड आ रहा है, ने दो ने दो ने दो करके। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बनाते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग एक स्ट्रक्चर का सहारा लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है। दैट इज, ये हमारा जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है हिंदी सेंटेंस का। मतलब आपके सामने कुछ भी हिंदी सेंटेंस इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा, उसके लास्ट में आपके पास वर्ब आएगा और ने दो आएगा। गॉट इट? जैसे नीचे कुछ सेंटेंस मैंने लिखा है, उसे सोने दो। अब देखो यहाँ पे आप, ये सेंटेंस है, इसके लास्ट में देखो हमारा क्या आ रहा है, ने दो। राइट, ये क्या आ रहा है, ने दो। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है, दैट इज, मुझे सोचने दो। लास्ट में फिर से ने दो आया। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस हैं जिसके लास्ट में फिर से ने दो आया है, लाइक दिस, अंडरस्टैंड? तो ऐसे सेंटेंस हैं जिसके लास्ट में ने दो करके आता है, ऐसे सेंटेंसेस को एक ऐसे स्ट्रक्चर से बनाते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड। लेट अपने मन से चिपकाना है, ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं आपको बता रखा हूं पहले से ही, ठीक है? जैसे ऑब्जेक्ट, जैसे मी लगाओगे, मी का मतलब क्या होता है, मुझे। गॉट इट? मैं बता देता हूँ फिर से, हिम लगाओगे, हिम का मतलब क्या होता है, उसे। ओके, अगर मैं कहूँ आपसे यू यू, तो यू का मतलब क्या होता है, तुम्हें। ओके, और अगर मैं बोलूँ आपसे अस का मतलब क्या होता है, तो हम लोगों को, ये होता है हमारा क्या, अस का मतलब, ठीक है? तो आप इस चीज को समझो कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके जगह पर हमें आई नहीं रखना है, मी रखना है, ही नहीं रखना है, हिम रखना है, सी नहीं रखना है, हर रखना है। यू तो दोनों पार्ट में सेम होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों केस जो होता है वो सेम होता है। अस का अगर चर्चा किया जाए तो अस जो है वो बी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इस तरीके से हम लोग इसको रखेंगे। जैसे ऊपर लिखा हुआ है, उसे सोने दो, तो इसका क्या होगा, लेट हिम स्लिप, लेट हिम स्लिप। नेक्स्ट लिखा हुआ है, मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। बच्चों को खेलने दो, यहाँ पे को छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पर होगा को। बच्चों को खेलने दो, लेट द चिल्ड्रन प्ले। तो आप लोगों को ये बात पता चल गया होगा कि कैसे हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। बेसिकली सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, देखना है लास्ट में ने दो, और उसके बाद अपना स्ट्रक्चर पे आ जाना है। स्ट्रक्चर क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड। गॉट इट? अब हम सेंटेंस को थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे यहाँ सेंटेंस को अगर देखो आप, तो आपको पता चलेगा, मुझे उसके साथ बाजार जाने दो। इस सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा हुआ है आप बता सकते हो मुझे? इस सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा हुआ है, ने दो। राइट, इस सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा हुआ है, ने दो। इस सेंटेंस के लास्ट में भी क्या लगा हुआ है, ने दो। इस सेंटेंस के भी लास्ट में क्या लगा हुआ है, ने दो। इस सेंटेंस के भी लास्ट में क्या लगा हुआ है, ने दो। इस तरीके से ये लगा हुआ है। ये बात से ये कंफर्म होता है हमारा कि जितने भी सारे सेंटेंस है, ये सारे के सारे किन से बनेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड, इस चीज से बनेगा। राइट, तो बनाते हैं उस, सॉरी, मुझे उसके साथ बाजार जाने दो। तो मुझे उसके साथ बाजार जाने दो क्या बोलेंगे, लेट मी गो टू मार्केट विथ हिम। गॉट इट? नेक्स्ट, उसे यह मूवी देख लेने दो, तो क्या बनेगा इसका, लेट, उसे का हो जाएगा हिम, हिम यह मूवी देख लेने दो, लेट हिम वॉच दिस मूवी। गॉट इट? नेक्स्ट हमारे पास है, राधा को इस स्कूल में पढ़ने दो, राधा को इस स्कूल में पढ़ने दो, क्या बनेगा, लेट।
अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट राधा है, और राधा नाउन जो होता है वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों केस में सेम होता है। तो राधा को इस स्कूल में पढ़ने दो, राधा लेट राधा रीड इन दिस स्कूल, गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास है मुझे इस पेड़ पर चढ़ने दो, मुझे इस पेड़ पर चढ़ने दो, इसे कैसे बोलेंगे? तो मुझे यहाँ पर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, सिंपली बोलेंगे लेट मी क्लाइंब, क्लाइंब अब पेड़ पर चढ़ने दो ऑन दिस ट्री। ओके, तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जिसको आपने प्रैक्टिस करा। अब मैं आपको फ्लो फ्लो में बोलवाने का कोशिश करता हूं, और सेंटेंस को साथ में बोलना, गॉट इट। मुझे उसके साथ बाजार जाने दो, बोलिए लेट मी गो टू मार्केट विथ हिम। नेक्स्ट, उसे यह मूवी देख लेने दो, लेट हिम वॉच दिस मूवी, लेट हिम वॉच दिस मूवी। नेक्स्ट, राधा को इस स्कूल में पढ़ने दो, लेट राधा रीड इन दिस स्कूल। प्रैक्टिस कीजिए साथ में बोल बोल करके। मुझे इस पेड़ पर चढ़ने दो, लेट मी क्लाइंब ऑन दिस ट्री, लेट मी क्लाइंब ऑन दिस ट्री। मैं कुछ सेंटेंस बोलूंगा, आप उस चीज को खुद से बोलने का प्रैक्टिस करिएगा। जैसे मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, मुझे इस मैदान में खेलने दो, लेट मी प्ले इन दिस ग्राउंड। ओके, मुझे खाने दो, लेट मी ईट, मुझे पिज्जा खाने दो, लेट मी ईट पिज्जा, मुझे डोमिनोज में पिज्जा खाने दो, लेट मी ईट पिज्जा इन डोमिनोज, गॉट इट। ऐसे कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे, और ऐसे सेंटेंसेस को खुद ब खुद मन में बोलते रहिए, कोशिश कीजिए कंटिन्यूअसली बोलने का। नेक्स्ट हमारे पास कुछ सेंटेंस है, इसको आप प्रैक्टिस करो। जैसे मुझे मेरा काम करने दो, लेट मी डू माई वर्क, लेट मी डू माई वर्क। नेक्स्ट, उसे यहाँ रहने दो, लेट हिम स्टे हियर, लेट हिम स्टे हियर। उस लड़की को सवाल करने दो, लेट दैट गर्ल आस्क अ क्वेश्चन, लेट दैट गर्ल आस्क अ क्वेश्चन। नेक्स्ट, लेट देम कम हियर, उसे यहाँ आने दो, उसे यहाँ आने दो। उसके भाई को यह जॉब करने दो, लेट हिज ब्रदर डू दिस जॉब, लेट हिज ब्रदर डू दिस जॉब। नेक्स्ट, मुझे डिनर कर लेने दो, लेट मी टेक डिनर, लेट मी टेक डिनर। मेरी बहन को अब सोने दो, लेट माई सिस्टर स्लीप नाउ। ओके, इस तरीके से हम लोग ने दो वाले सेंटेंस को बना सकते हैं। आपने देखा स्ट्रक्चर क्या था, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वीवन प्लस अदर वर्ड, गॉट इट। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करो, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।